दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों कोई भी एग्जाम हो टीचिंग लाइन का, मनोविज्ञान के ऊपर सवाल आते हैं। मनोविज्ञान की जब बात आती है तो हमें देखना पड़ेगा कि मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, उन मनोवैज्ञानिकों के नाम क्या है। कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये डायरेक्ट सवाल दो तरह के हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक का नाम पूछता है आपको, यानी शॉर्ट नेम दे देगा, पूछेगा कि इस मनोवैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है। ऐसे दो तीन सवाल आए हैं, ठीक है। दूसरा सवाल पूछ लेगा कि फला मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे। ये दो कंटेंट है, अभी हम जो है इस वीडियो में इन दो कंटेंट में बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिकों का पूरा नाम यानी शॉर्ट नेम के साथ पूरा नाम और साथ साथ उनके रहने का स्थान यानी वो कहाँ के थे, उनकी जो है कर्म भूमि जन्म भूमि क्या थी, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो का क्या है कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, आप जो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक टेबल मिल जाएगा, उसमें आपको सारे वैज्ञानिकों के नाम, उनके पूरे नाम और उनके रहने के स्थान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी एक साथ कंबाइन की हुई है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों आइए मेरे साथ चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये मनोविज्ञान वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि ये वैज्ञानिकों के नाम है, आपको बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो शॉर्ट नेम मिलेंगे, ठीक। और एग्जाम में क्या होता है कि फिर पूछता है कि इस वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या है या ये कहाँ के रहने वाले थे, इस तरह से सवाल भी आते हैं, ठीक है। सरल सवाल को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेते हैं और फिर एग्जाम में कुछ सवाल आ जाते हैं जो सरल आते हैं, तो फिर क्या होता है कि अपन उनको भूल जाते हैं या अपने को पता नहीं होता, और उस समय स्थिति जो मनोस्थिति बनती है वो क्या बनती है, अरे यार कहीं मैंने देखा तो था और पता नहीं क्या नाम था, मेरे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। वो स्थिति से आपको बचना है और ये बचने का तरीका आपके सामने है। आपको केवल करना क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, मैंने आपको बताया था, तो आपको तो जो केवल वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा और ये पूरी टेबल आपको बनी हुई मिल जाएगी। तो हम देखते हैं वैज्ञानिकों के नाम, उनके पूरे नाम और वो कहाँ के थे, यानी देश का नाम। देखो पहले वैज्ञानिक है ई बी टिचनर। ई बी टिचनर का पूरा नाम है ई से एडवर्ड और बी से ब्राडफोर्ड टिचनर। तो एडवर्ड ब्राडफोर्ड टिचनर जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, ई बी टिचनर। दूसरे हैं जी एस हॉल, आपने नाम सुना होगा, नाम है इनका ग्रान विले स्टेनले हॉल, तो आपको मिलेगा स्टेनले हॉल अक्सर लिखा हुआ। तो ये यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, अधिकांश जो मनोवैज्ञानिक है वो वहीं के हैं। तो जी एस हॉल का पूरा नाम है ग्रान विले स्टेनले हॉल, ठीक। फिर तीसरे हैं जे बी वाटसन। वाटसन व्यवहारवादी थे, मैंने आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो देखा करो आप, है ना। तो जे बी वाटसन का पूरा नाम है जॉन ब्रॉड्स वाटसन, ठीक, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के रहने वाले थे। जे बी वाटसन व्यवहारवाद के जनक थे, व्यवहारवादी थे। फिर है बी एफ स्किनर, आपको जो लिखा मिलेगा नाम वो मिलेगा बी एफ स्किनर। अब पूछेगा आपसे कि इनका पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम कैसे बताएंगे आप, इनका नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो कि USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। बी एफ स्किनर, पूरा नाम बरहस फ्रेडरिक स्किनर। फिर है बंडूरा या बांडूरा, इस तरह लिखा मिलेगा, इनका पूरा नाम है एल्बर्ट बांडूरा, ए बांडूरा, है ना, यानी एल्बर्ट बांडूरा। ये कनाडा के, देखो ये एक अलग स्थिति आ गई है ना, बाकी कॉमन चीजें है ना, ये अलग, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि ये ध्यान रखना बंडूरा कहां के रहने वाले थे, कनाडा के। तो ये सवाल की, इस तरह के सवालों की संभावना बन जाती है। तो ये ई एल थार्नडाइक, ये इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड ली थार्नडाइक, ये यूएसए यानी ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। ई एल थार्नडाइक के बारे में मैंने बताया। अब आप देखेंगे आई पी पावलो, है ना, आई पी पावलो। देखो पावलो के बारे में मैंने बताया कि ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शरीर शास्त्री थे और रूस के रहने वाले थे, तो इनके बारे में बहुत सवाल आए। तो दो चीज याद रखनी है कि एक तो आई पी पावलो का पूरा नाम है इवान पैट्रिक पावलो, ठीक, ये रूस यानी रसिया के रहने वाले थे, ये शरीर शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे, है ना, ना ही शिक्षा मनोविज्ञान से इनका कोई लेना देना था।
चूंकि इन्होंने शिक्षा के बारे में सूत्र दिया इसलिए ये आईपी पावलो फेमस हुए। शरीर शास्त्री थे, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और रूस के रहने वाले थे। फिर है मेरिनो, जे एल मेरिनो, ये इनका शॉर्ट नेम है, अक्सर इसी नाम से मिलेगा। पूरा नाम है जैकब लेवी मोरिनो, है ना, पूरा नाम है जैकब लेवी मोरिनो, ये रोमानिया के रहने वाले थे। अब देखो एक चीज और, इस सारी चीजों को पकड़ा करो, ये अब देश का नाम तो है पर ये थोड़ा अलग है ना, कहीं यूएसए है, कहीं इंग्लैंड है, कहीं रूस है, ये ठीक है सामान्य चीज है, लेकिन कनाडा और रोमानिया दोनों चीज अलग आ गई, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल इस तरह का। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन डाल देता है, सरल क्वेश्चन में भी की क्वेश्चन बना देगा वो, है ना, रोमानिया पे ध्यान नहीं जाएगा तो मिसिंग हो जाएगी, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो। तो बांडुरा और जेल मेरिनो दोनों सवाल अगर आ सकते हैं तो इस तरह के आएंगे, बाकी तो सामान्य आपको याद भी रह जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वैज्ञानिकों के नामों को आप इस प्रकार याद कर लें, टेबल के लिए आप टाइटल पे क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं, तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।